नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके के नर्सिंग क्लासेज में। और हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूड्स के बारे में। पहले हमने बॉडी फ्लूड्स पढ़ा पिछली क्लास में, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ब्लड। ब्लड का जो पहला पार्ट था प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले थे सेल्स के बारे में, ठीक है। ब्लड के अंदर सेल्स के बारे में पढ़ने वाले थे। तो ये पता है प्लाज्मा का जो कंपोजिशन कितना होता है ब्लड के अंदर, वो रहता है 55%। तो ब्लड सेल का रिमेनिंग 45% जो कंपोजिशन होगा, उसमें ब्लड सेल का कंपोजिशन रहेगा वो 45%, ठीक है। आज हम ब्लड सेल के अंदर पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में। फर्स्ट आरबीसी, ठीक है। आरबीसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, वो है रेड ब्लड सेल, ठीक है। और इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अगर हम इससे स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, एचसीवी या पीसीवी। एचसीवी हीमेटोक्रेट वॉल्यूम, या पैक्ड सेल वॉल्यूम। हीमेटोक्रेट वॉल्यूम या पैक्ड सेल वॉल्यूम की बात करें तो ये इसका नॉर्मल वैल्यू रहता है वो 40-45% रहता है, ठीक है। अगर बात करें ये होता क्या है, अमाउंट ऑफ आरबीसी इन गिवन सैंपल, अमाउंट ऑफ आरबीसी या परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन गिवन सैंपल इज कॉल्ड एचसीवी या हेमेटोक्रेट वॉल्यूम या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरबीसी में इसके अमाउंट के बारे में, अमाउंट कि कितना आरबीसी रहता है, ठीक है। पहले बात करूं मैं मेल की और सेकंड फीमेल की, ठीक है। तो जो मेल में रहेगा वो रहेगा 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रो लीटर, ठीक है। इसको हम और क्या कह सकते हैं, मिलियन के अंदर कितने होते हैं, 6 जीरो होते हैं, और माइक्रो लीटर के अंदर भी 6 होते हैं। तो इसको 10 की घात अपन 12 भी कह सकते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर 4 से 5, 10 की घात 12, ठीक है। इसको ये हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन की, ठीक है। और एक और चीज़ बता दो इसी के साथ में, जो एक सैंपल होता है हीमोग्राम का, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है हीमोग्राम। हीमोग्राम का अगर ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें हम क्या काउंट देखते हैं, ठीक है। 2018 एम्स के एग्जाम में आया था, दिल्ली एम्स में, कि हीमोग्राम सैंपल के अंदर क्या वैल्यू देखते हैं। हीमोग्राम सैंपल एक प्रकार का सीबीसी ही होता है, लेकिन इसके साथ में ESR और ऐड हो जाता है, तो ये हीमोग्राम सैंपल बन जाता है। मतलब इसके अंदर डिटेल स्टडी आरबीसी की और कर लेते हैं तो ये हीमोग्राम कहलाता है। तो सीबीसी, अगर क्वेश्चन आ जाए सीबीसी से हीमोग्राम कैसे डिफरेंट है, तो क्योंकि इसके अंदर ESR और काउंट हो रहा है, ESR और हम देखते हैं, तो यह है सीबीसी से इस प्रकार से
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है सभी को, ये हमने बेसिक पढ़ा। अब पढ़ते हैं इसको आगे। आगे देख लेते हैं कि आरबीसी, यहां तक देख लिए हम। अब पढ़ने वाले हैं आरबीसी के फॉर्मेशन के बारे में। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? इरिथ्रोपोइसिस क्या कहलाता है, होता क्या है? ओरिजन डेवलपमेंट, ओरिजन डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन, ओरिजन डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, ओरिजन डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस क्या है कि आरबीसी का बनना, ठीक है, उसका विकास होना और उत्पत्ति, ये सभी इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। अगर मैं बात करूं इसके, ये कहां कहां होता है, इसके ओरिजन की बात करूं, ओरिजन तो बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ये कहां पे होता है इरिथ्रोपोइसिस, योक सैक, योक सैक के अंदर होता है, मीजन, मीजन काइमल सेल, मीजन काइमल सेल्स के लीवर में, स्प्लीन में, लीवर में, स्प्लीन में, मीजन काइमल सेल में, योक सैक में और बोन मैरो में, यहां पे इनका ओरिजन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कर लेते हैं 0 से 2 साल, 3 से 12 साल और आफ्टर 13 ईयर। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है वो देख लेते हैं। साइट में अपने बिफोर देखा, बर्थ से पहले, आफ्टर देख लेते हैं। 0 से 2 साल के दौरान ऑल बोन्स, जो सभी बोन्स हैं उनके अंदर इसका इरिथ्रोपोइसिस मतलब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3 से 12 साल में, तो ये है लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स है उनके अंदर इसका इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है। ठीक है, अगर 13 साल के बाद में बात करें तो यहां पे होगा मेम्ब्रेनस, जो मेम्ब्रेनस बोन है उन्हीं के अंदर इरिथ्रोपोइसिस होगा, जो कि है स्टर्नम स्केपुला। इसमें क्या, मेम्ब्रेनस बोन्स के अंदर ही इरिथ्रोपोइसिस होगा, जो कि है स्टर्नम, रिब्स, स्टर्नम, रिब्स, स्केपुला और वर्टिब्री। ठीक है, यहां पे अब इरिथ्रोपोइसिस होगा। ठीक है, और ये कितना टाइम लेता है, इसके टाइम की बात करें इरिथ्रोपोइसिस
तो ये लेता है 7 डेज। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अपन ने प्राय इरिथ्रोपोइसिस, जिसका ओरिजन डेवलपमेंट फॉर्मेशन अगर आरबीसी का जहां हो रहा है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये इरिथ्रोपोइसिस कहलाएगी। ये टाइम कितना लेता है? 7 डेज। अगर मैं ओरिजन की बात करूं तो बिफोर बर्थ देख लिया अपन ने, आफ्टर बर्थ अपन ने देख लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो ये सब चीज ये कहां पे हो रही है? ये हो रही है स्प्लीन के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज जो होगा, जो आरबीसी का स्टोरेज होगा, वो होगा स्प्लीन के अंदर। ठीक है, स्प्लीन के अंदर ही आरबीसी का स्टोरेज होता है, इसीलिए स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं। अगर बात करूं बॉडी के ब्लड बैंक की, तो वो कहलाता है स्प्लीन, क्योंकि वहां पे आरबीसी का स्टोरेज होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, आरबीसी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक स्पेक्ट्रीन नाम का, एक एलिमेंट है स्पेक्ट्रीन। ठीक है, एक एलिमेंट है जो कि आरबीसी की जो शेप है, आरबीसी की शेप को मेंटेन करता है। आरबीसी की शेप को कौन मेंटेन करता है? स्पेक्ट्रीन। ठीक है, और वैसे आरबीसी की शेप कैसी होती है? ये होती है बाइकॉनकेव डिस्क। अगर मैं शेप की बात करूं आरबीसी की, तो वह कौन मेंटेन करता है? स्पेक्ट्रीन। ठीक है, और वैसे शेप होती कैसी है? आरबीसी की शेप कैसी होती? बाइकॉनकेव डिस्क। बाइकॉनकेव कैसा होता है? ऐसा, और डिस्क ऐसे होती है। ठीक है, अगर मैं उसको ऊपर से देखूंगा आरबीसी को, तो वो ऐसे दिखाई देगी। अगर मैं उसको साइड से देखूंगा, तो वह बाइकॉनकेव दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो यह कैसा हो गया? बाइकॉनकेव डिस्क जैसा इसका शेप रहता है। सेकंड बात कर लेते हैं साइज की, आरबीसी के साइज की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल साइज होता है वो 7.2 माइक्रोन। जो आरबीसी का साइज रहेगा वो रहेगा 7.2 माइक्रोन, और इसी को बोलते हैं नॉर्मो साइटिक सेल या आरबीसी। नॉर्मो साइटिक आरबीसी कहलाती है 7.2 माइक्रोन साइज की। अगर मानो साइज इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, अगर इसका साइज इससे कम है तो वह कहलाएगी माइक्रो साइटिक आरबीसी। माइक्रो साइटिक आरबीसी कहलाने वाली, अगर इससे साइज कम हो, लेस देन 7.2 माइक्रोन। अगर इससे साइज ज्यादा हो, मोर देन 7.2 माइक्रोन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? ये कहलाएगा मैक्रो साइटिक आरबीसी। क्लियर है सभी को? साइज का अपन ने क्लियर कर लिया कि साइज कितना होता है, वो होता है 7.2 माइक्रोन, जिसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मोसाइटिक सेल या आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है,
अगर इससे साइज ज्यादा है तो वो कहलाएगा मैक्रोसाइटिक आरबीसी, और कम है तो वो कहलाएगा माइक्रोसाइटिक आरबीसी। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे कि मैक्रोसाइटिक आरबीसी जो बड़े साइज की आरबीसी है वो किस तरह दिक्कत करते हैं, क्योंकि वो बड़े साइज की है तो वो छोटी छोटी कैपिलरी में जाके फंस जाएंगी और उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा अपन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं सभी चीज़ें। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर उसका साइज 7.2 माइक्रोन से ज़्यादा है तो वो कहलाएंगी मैक्रोसाइटिक आरबीसी। साइज हो गया, स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, शेप होगी। अब बात कर लेते हैं कलर की। कलर के, ठीक है, कलर की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी का कलर होता है, वो होता है ब्राइट रेड कलर की इसका जो कलर रहता है। तो यह होगा नॉर्मोक्रोमिक सेल। ऐसा अगर कलर है तो ये नॉर्मोक्रोमिक सेल कहलाएगा। अगर इसका कलर ब्राइट रेड कलर से अगर कम है मतलब ब्राइट रेड कलर नहीं है तो यह कहलाएगा हाइपोक्रोमिक सेल। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये अपन ने पढ़ा सबसे पहले इसकी शेप, तो इसकी शेप होगी बाइकॉनकेव डिस्क। साइज की बात की, यह साइज होगा इसका 7.2 माइक्रोन। ठीक है, अगर इससे अगर कम है तो वो कहलाएगा माइक्रोसाइटिक आरबीसी, इससे अगर ज्यादा है तो वो कहलाएगी मैक्रोसाइटिक आरबीसी। कलर की बात की, इसका कलर रहेगा वो है ब्राइट रेड कलर, जो कि कहलाएगा नॉर्मोक्रोमिक सेल। ठीक है, अगर इससे कलर अगर कम है मतलब फीका कलर है तो वो कहलाएगा हाइपोक्रोमिक सेल। यह बेसिक चीजें हैं और यह इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका एग्जाम अभी तो कुछ दिन बाद ही राजस्थान CHO का है, उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसी में बात कर लेते हैं लाइफ स्पान की। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी तो वो रहेगा 120 डेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये तो रहेगा एडल्ट के अंदर। ठीक है, एडल्ट के अंदर कितना रहेगा 120 डेज, पर अगर बात करूं मैं नियोनेट की तो वो रहेगा 80 डेज। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो आगे हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ आरबीसी के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो यह कैरी करता है किसको? कैरी करता है गैसेस के एक्सचेंज करता है। कौन कौन सी गैसेज? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी गैसेज का कैरिंग करता है यह आरबीसी। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं, आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रकार का बफर का काम भी करता है। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं, यह आइडेंटिफाई में हेल्प करता है किसमें? ब्लड ग्रुप की आइडेंटिफाई में यह हेल्प करता है। तो यह सभी इसके फंक्शंस थे। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अभी अपन ने फॉर्मेशन देख लिया, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्शन के बारे में। निर्माण हुआ है तो विध्वंस भी होगा। अब बात कर लेते हैं हीमोलाइसिस के बारे में।
हीमोलाइसिस के बारे में, हीमोलाइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। डेस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी क्या कहलाएगा? हीमोलाइसिस। डेस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी क्या कहलाने वाला है? हीमोलाइसिस। तो जैसे जैसे जो आरबीसी जो 120 डेज की तरफ जाएंगी, 120 डेज की तरफ अगर वो जाएंगी तो उनकी जो आउटर जो सरफेस है, आउटर सरफेस क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा, मतलब कठोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो स्मॉल कैपिलरीज हैं स्प्लीन की, जो स्मॉल कैपिलरीज हैं स्प्लीन की, उनको यह क्रॉस डज नॉट क्रॉस, यह क्रॉस नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से इसका डेस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या देखा अपन ने कि आरबीसी जैसे जैसे 120 डेज की तरफ जा रही हैं, उनकी जो आउटर सरफेस है वो रिजिड हो जाएगा और वो स्प्लीन की जो छोटी छोटी कैपिलरीज है उनको यह क्रॉस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसका डेस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसी वजह से स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मुर्दा घर भी कहा जाता है स्प्लीन को। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो आगे बात कर लेते हैं। हीमोलाइसिस देख लिया अपन ने, देख लिया कैसे हीमोलाइसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें हीमोलाइसिस के अंदर देख लेते हैं कि अगर यह एक्सेसिव एक्सेसिव अमाउंट में होने लग जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हीमोलाइसिस हो जाएगा तो उसको कहेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया या हीमोलाइटिक जॉइंटिस। ठीक है, हीमोलाइसिस होता क्या? डेस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अगर ये ज्यादा होने लग जाएगा तो आरबीसी कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया होगा। और वह कौन से प्रकार का एनीमिया होगा? वो होगा हीमोलाइटिक एनीमिया, इसी को कहेंगे हम हीमोलाइटिक जॉइंटिस। सभी को क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हीमोलाइसिस के अंदर जो आरबीसी का डेस्ट्रक्शन हुआ है, आरबीसी का डेस्ट्रक्शन हुआ है ठीक है, उसके अंदर क्या क्या बना है? ठीक है, एक तो बन गया इसके अंदर हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो ग्लोबिन अपन ने पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन है, वो कहां पे स्टोर होती है? लीवर के अंदर, तो वो लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हीम की बात करें, हीम की बात करते हैं तो हीम को ही हम क्या कहने वाले हैं? पायरोल भी कहते हैं हीम को हम। ठीक है, तो हीम जो है वो दो भागों में बट जाएगा, एक रहेगा आयरन। ठीक है, आयरन कौन सी फॉर्म में रहेगा? फेरस फॉर्म में, यह भी स्टोर हो जाएगा कहां पे? लीवर में। ठीक है, आयरन भी स्टोर हो गया। अब बचा क्या? बिलीवर्डीन इसमें बच गया, यह एक प्रकार का बाइल पिगमेंट है, यह एक प्रकार का बाइल पिगमेंट है जिसका कलर रहता है ग्रीन कलर का एक बाइल पिगमेंट है, जो कि एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है।
जब आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हुआ उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है बिलीवर्डीन, जिसका कलर ग्रीन होता है और यह एक प्रकार का क्या होता है, बाइल होता है, ठीक है। यह कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बिलुरुबिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बिलुरुबिन के अंदर, ठीक है। बिलुरुबिन भी एक प्रकार का बाइल है, पर इसका कलर कैसा है, येलो कलर का बाइल है ये बिलुरुबिन, ठीक है। इसका बॉडी से एक्सक्रीट होगा, यह बॉडी से एक्सक्रीट होगा, ठीक है, एक तो यूरिन के थ्रू और दूसरा स्टूल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होने वाला है। यूरिन का कलर भी इसी की वजह से येलोइश होता है और स्टूल कलर भी इसी की वजह से येलोइश होता है। तो यूरिन के थ्रू जो होगा वो होगा यूरो बिलुरोबिन, और स्टूल वाले को हम कहने वाले हैं स्टूरो बिलुरोबिन, ठीक है। इसके ऐसे बिलुरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं। आज की क्लास यहीं तक, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।